बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल कल से जब से बारिश हुई है, सर्दी की जो शिद्दत है थोड़ी कम महसूस हो रही है और लग रहा है कि जैसे सर्दी अब थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है। और ऑब्वियसली फरवरी का आगाज हो रहा है, बहुत जल्द मार्च अप्रैल जिसमें कि हम बहार देखेंगे और दिन इसी तरह से बदलते हैं, मौसम इसी तरह से बदलते हैं। कोई एक वक्त, कोई एक मौसम सदा के लिए नहीं होता। जिंदगी में कोई भी आने वाले हालात हमेशा ठहरने के लिए नहीं होते और जिंदगी में कोई भी जो मौसम आता है वो अपने साथ जहाँ पे उसकी कुछ सख्तियाँ होती हैं, जहाँ पे उसके कुछ मसाइब होते हैं, वहाँ पे उसके साथ उसकी चंद खूबसूरतियाँ भी होती हैं। और उन खूबसूरतियों को देखना और इंजॉय करना हर इंसान को अच्छा लगता है और हर इंसान को देखता भी है। जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, यानी हमारे दिगेट बिखरा हुआ खूबसूरत सा समा, नजारा, फूल, पहाड़, दरख्त और बेशुमार ऐसी चीजें जिन्हें हम खूबसूरतियों के तौर पर गिनते हैं। अच्छा, इनको हम देखते हैं, इनको हम इंजॉय करते हैं, भले वो अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई खूबसूरत मखलूक हो, भले वो उसके बनाई हुई कोई भी खूबसूरत तख्लीक हो, और हम उसे देखकर हमें लगता है कि यार ये क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बना दी है, और उसको देखते हैं और इंजॉय करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं आखिर ये हुआ कैसे है, आखिर ये हुआ क्यों है। जैसे किसी भी इंसान को जिसको हम देखते हैं कि वो स्मार्ट है और हम ये समझते हैं कि वो खूबसूरत है, हम ये तो देखते हैं कि वाह कितना खूबसूरत है, हम ये भी देखते हैं कि वाह कितना स्मार्ट है, लेकिन कैसे है इसके बारे में हम अक्सर गौर नहीं करते। और गौर और फिकर एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बार बार हमें इनवाइट भी किया है। अगर हम कुरान हकीम पर गौर करें तो जहां पर उसने अपनी बेशुमार नेमतों का, पहाड़ों का, आसमानों का और उसके साथ साथ चांद का, सूरज का, सितारों का, नजारों का और मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के मेवों का, सरसब्जी का, ये सरसब्ज शादाब इलाकों का, बारिश का और अल्लाह ताला की मखलूकात में मच्छर जैसी मखलूक तक का जिक्र करते हुए, तो साथ साथ वो एक चीज पे जरूर हमें इनवाइट करता है अल्लाह ताला की ये किताब हिकमत व दानाई, वो है कि गौर व फिक्र करते हो, सोचते हो। अब गौर व फिक्र क्या है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती देखें, हम उसको देखें वाह वाह क्या बात है, वाह बड़ा अच्छा है, वाह। लेकिन उससे आगे जो दूसरा गौर व फिक्र का मरहला है वो ये कि ये कैसे है, ये क्यों है, ये किस तरह से हो रहा है, और ये वो चीज है कि जिसके ऊपर हमें रुकना है और जिसके ऊपर हमें गौर करना है। यही वो फर्क होता है जो ये जो जीनियस कह लें हम या जो लोग जिंदगी में बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो सिर्फ व्हाट पे नहीं रुक जाते, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये क्या है, वो ये भी देखते हैं कि ये कैसे है, वो ये भी देखते हैं कि ये क्यों है। और ये फर्क उन्हें एक आम आदमी से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, मुमताज कर देता है, बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। आज जो ये कहानी एक छोटी सी है मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी। हम जानते हैं ना आज ये फोर्ड वैगन बहुत ज्यादा मशहूर एक कंपनी गाड़ियों की, आपको पता है इसका आगाज कैसे हुआ था। 23 साल का ये नौजवान जिसे कि हेनरी फोर्ड के नाम से जाना जाता था, बात है 1885 की, और उस वक्त ये एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट में इंजीनियर के तौर पे काम करता था और डे शिफ्ट में इसने अपने छोटे से घर के छोटे से गैराज में, जिसे कहते हैं ना, एक वर्कशॉप बना रखी थी। और उस वर्कशॉप में जहां से इसे खराद मिलता था, वो खाम लोहा, टुकड़ा, पुर्जा, कोई चीज जो इकट्ठी कर पाता था, ये उन्हें इकट्ठा कर करके लेके आता था। सो सारा दिन ये उन्हें जोड़ता रहता था, क्योंकि उन दिनों में नया नया गैस का जो इंजन है, गैस कंबंशन इंजन, ये आया था और उसको बड़ा ये फैसिनेट करता था कि यार ये जो घोड़ा गाड़ियां चलती हैं इनसे जान छुड़ाई जाए और किसी तरह से गैस से चलने वाला जो है ना इंजन व्हीकल में लगाया जाए तो घोड़े से जान छुट जाए और इंजन से चलने वाली व्हीकल जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि उस जमाने में अभी गाड़ियां और मोटर गाड़ियों का रिवाज नहीं था, अभी ये इस तरह से आई नहीं थी जैसे आजकल हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी चला करती थी। अच्छा, बहुत सारे लोग इस आइडिया पे काम कर रहे थे, लेकिन इस नौजवान ने दिन रात काम किया। इसने अपना एक प्रोटोटाइप बनाया जिसको कि इसने क्वाड्रीसाइकिल का नाम दिया, और अब इसको जरूरत थी कि कोई ऐसा बंदा मिले जो सरमायाकारी करे और उसके इस छूते सा जो उसका आइडिया है उसको वो लॉन्च कर सके, उसको वो दुनिया के सामने लेकर आ सके और बता सके कि गाड़ी कैसी है, चलती है। इसको इसी तरह से एक शख्स मिला जिसका नाम था विलियम एच मर्फी। उसने इसको इसकी काबिलियत पे भरोसा करते हुए उसने कहा मैं सरमायाकारी करता हूँ, चलें आप काम करें। काम करना शुरू किया। अब प्रोटोटाइप तो बन गई थी, लेकिन उसको एक, जिसे कहते हैं ना, असल शक्ल में गाड़ी की सूरत में रोड पर लाने के लिए ऑब्वियसली उसमें कुछ वक्त दरकार था, कुछ मेहनत दरकार थी, कुछ उसमें चीजें थी जिनकी दुरुस्तगी दरकार थी, तो टाइम लग गया। एक साल के अंदर अंदर वो जो कंपनी बनी थी उन्होंने कहा यार बहुत टाइम लग रहा, हमने तो पैसे लगाए थे कि आज लगाएंगे कल कमाएंगे, तो यहां से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, कौन इतनी देर बैठा रहे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो चलो छोड़ो और हम नहीं करते ये काम।
अब हेनरी फोर्ड साहब बैठे के बैठे रह गए। उन्होंने कहा मेरा तो इतना अच्छा आइडिया है, इतना कमाल किस्म का, लेकिन उसने गौर किया तो उसे लगा कि मैं एक ही गाड़ी में क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी दुनिया की कोई बड़ी कमाल किस्म की चीज बन जाए, मैं कुछ इसमें अपनी जैसे कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और जितना मुमकिन है और जिस हद तक हो सकता है उस हद तक इसे प्रैक्टिकल बनाते हुए, इसे मुमकिन बनाते हुए इसको मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँ। सो दोबारा उसने अप्रोच किया इसी शख्स को जिसे मर्फी कहेंगे हम, और उसने उससे रिक्वेस्ट की कि यार एक दफा फिर चांस दे दो, प्लीज आओ ना हम मिलकर काम करते हैं। सो दोबारा से उन्होंने एक कंपनी सेटअप की जिसका नाम हेनरी फोर्ड कंपनी थी, और उस कंपनी ने मिलकर ये गाड़ी जो है इसको बनाने का मंसूबा जो है वो शुरू किया। लेकिन इतनी ज्यादा उसके अंदर मुदाखलत थी उस इन्वेस्टर साहब की कि वो ये चाहते थे कि जिसको गाड़ी के ना इंजन की समझ थी, ना उसको गाड़ी की जिसे कहते हैं बॉडी की समझ थी, ना उसे किसी भी चीज का पता था, वो भी वहां बैठ के उस इंजीनियर को जिसने उस चीज को क्रिएट किया था बता रहा होता था कि नहीं 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 ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें आप ऐसे कर ले तो ये ज्यादा ठीक होगा। अब ये किसी भी क्रिएटर के लिए बड़ी मुश्किल बात है बर्दाश्त करना, क्या जिस बंदे को कख पता नहीं है, अगर उसके पास पैसा है तो वह समझता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस भी वही है, सबसे काबिल इंसान भी वही है। तो हेनरी फोर्ड इस बात को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कंपनी को छोड़ दिया, और इस दफा ये जो छोड़ना था, ये जो ब्रेकअप था इनका, फाइनल था। सो हेनरी फोर्ड ने सीखा कि यार किसी के साथ मिल के काम नहीं मैं कर सकता, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं और उनके साथ मिलकर कारोबार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सो अब क्या हो, अब उसने अपने तौर पर कोई मेहनत करके जो पैसे जमा किए हुए थे, जो कुछ भी उसने किया, एक छोटी सी कंपनी सेटअप की, एक छोटा सा अपना एक ऐसा सिस्टम जहां पर कि उसकी टीम काम करे, और उसने बहुत महदूद नंबर ऑफ कार्स हैं उनके साथ अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और फिर ये प्रोजेक्ट इस हद तक, इसमें भी उसने एक इन्वेस्टर ढूंढा, लेकिन ये इन्वेस्टर एक ऐसी तबीयत का शख्स था जिसके साथ उसकी एग्रीमेंट थी कि काम मेरा, सरमाया आपका, आपने चुप रहना है और मुझे काम करने देना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें यकीनी तौर पर आपका शेयर होगा जितना कि आप चाहेंगे। सो इस तरह से कर हमारे सामने आज एक ऐसी कामयाब मिसाल मौजूद है कि एक ऐसी कंपनी जिसने के जिसे कहते हैं ना दुनिया की तारीख बदल दी और गाड़ियां चलना शुरू हो गई, और गाड़ी आज तक बड़ी रिप्यूटेबल कंपनी है। तय ये हुआ कि मतलब जिंदगी में मुश्किलात हर एक शख्स को आएंगी और आती हैं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, लेकिन शह सवार वो होगा जो गिरने के बाद दोबारा उठे और उठकर दोबारा कोशिश करे। अगर हमने अपनी कोशिश का सिलसिला तर्क कर दिया तो फिर हम में और किसी एक नाकाम शख्स में कोई फर्क नहीं होगा। हमने ये बातें बारहा सुनी हैं और हमें लगता है कि ये बातें जो है कहानियों में ही होती हैं, और हमें लगता है कि यार कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिन लोगों ने इसे मुमकिन किया है वही लोग हैं जो दुनिया में जिए हैं, वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और वही लोग हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। क्या आप और मैं उनमें से होंगे या नहीं, इसका फैसला हमने करना है, और फैसला होगा इन्हीं बातों के ऊपर कि हम इन उसूलों को जो जायज माने हुए और जैसे कहते हैं जाने माने हुए उसूल हैं, इनको ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। सो फैसला आज कर लीजिए, इसका नतीजा आपको कल तक और बहुत जल्द इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। ऑल द बेस्ट, हमारी दुआएं इसमें आपके साथ रहेंगी। आज के प्रोग्राम की जो तफसील है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें ये जो रिश्ते हैं, इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत जो चीज है वो रिश्ते हैं, इसलिए कि इस दुनिया में जब आप आते हैं मेरा ख्याल है इंसान इस एहसास से चीख मारता है कि पता नहीं कोई है या नहीं है, और जब उसे कोई अपना समेट लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है और वो अपना एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसा लम्स होता है जिसे हम ममता के नाम से और माँ के नाम से जानते हैं, उसके साथ ही उसकी वो चीखों का सिलसिला जो है वो रुक जाता है, इसलिए कि उसे यकीन आ जाता है कि कोई मेरा यहाँ पर है, और उसके बाद से वो मुस्कुराना सीखता है, वो उंगली पकड़कर एक एक कदम उठाना सीखता है, वो लड़खड़ाते हुए गिरते संभलते हुए चलना सीखता है, वो जिंदगी को जीना सीखता है। ये सब रिश्तों की बदौलत है, ये उस कॉन्फिडेंस की बदौलत है जिसके साथ कि हम इस दुनिया में समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, और ये एहसास हमें मिलता है उन रिश्तों से जिनको कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत नेमत की सूरत में दिया होता है। सो उनका एहसास करना, वैल्यू करना, और उन्हें बीमार होने से बचाना, इसलिए कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए रिश्तों को बीमार कर देते हैं, और एक बीमार रिश्ते से ज्यादा तकलीफ दे और अजियतनाक जिंदगी में और कुछ होता नहीं है। माँ और बच्चे का रिश्ता एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा हो तो शेक्सपियर के जो सारे ड्रामे हैं उसमें उसने कुछ चीजों को डिस्कस किया कुछ फिलोसफीज की नजर से। उसकी फिलोसफीज में एक वो आता है एडिपस कॉम्प्लेक्स और एक है अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स वो कहता है कि जहां पर एक लड़का अपनी यानी माँ के साथ इस हद तक पोजेस्ड है
कि उसकी जिंदगी में उसकी माँ का जो रोल है वो हर एक रिश्ते को, अपनी जिंदगी में आने वाली हर औरत को, हर एक चीज को उस माँ के पर्सपेक्टिव से ही देखता है। वो हर एक में माँ ही ढूंढता है और माँ ही के जरिए असर उसकी जिंदगी जो है वो गुजरती है। उसने इस एक जो फिलोसफी है, एक साइकोलॉजी है, उसको ईडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और फिर इसी तरह से अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, वो लड़कियां जो कि बाप के और बाप जैसा और बाप की तरह का एक तसव्वुर जो है उसके साथ इन लव रहती हैं और उसी चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी, उनकी जिंदगी में आने वाला हर मर्द या तो उनकी बाप की जैसा होना चाहिए या उनके बाप से मिलता जुलता होना चाहिए, और चाहते ना चाहते और शौरी और लाशौरी तौर पर वो इसी तरह के लोगों से मिलती हैं और इसी तरह के लोगों के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजारती हैं। ये वो साइकोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे ड्रामों के प्लॉट्स कायम है। वो ड्रामे हैं जो कि दुनिया के ड्रामों की तारीख में बहुत बड़े बड़े। बहरहाल इसी साइकोलॉजी को और इन्हीं चीजों को लेते हुए आज प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें डॉक्टर मोहद्दत राणा हमसे मिलेंगे, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और वो हमसे बातचीत करेंगे कुछ माँ बच्चे के, माँ बेटे के खासतौर पर ताल्लुक के बारे में, कि इस ताल्लुक को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, इसमें क्या चीजें जानने की है, कैसे समझना है हमने एक दूसरे को और कैसे इसको खूबसूरत बनाना है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो दुनिया जिसे कहते हैं सहाफत से मुंसलिक है। लिखने से इन्होंने अपने सफर का आगाज किया और आजकल आप मुख्तलिफ जगहों पर इनकी राय, तबसरे और बहुत सारी जिसे कहते हैं ना चौंका देने वाली खबरें, अंदर की खबरें वो सुन रहे होते हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारे लोगों ने पसंद की और बहुत सारे उससे हमें अहम हकायक भी जानने का मौका मिला। सो आज सब कुछ शो में होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और रऊफ क्लासरा साहब से मुलाकात भी शो का हिस्सा है। सो ब्रेक के बाद प्रोग्राम का पहला हिस्सा जहाँ डॉक्टर मोहद्दत राणा से गपशप। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। मैं आपको आपसे बात कर रही थी शेक्सपियरियन ड्रामा के ऊपर, जो ईडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, कि लड़का जो है वो सारी जिंदगी अपनी माँ से प्यार और अपने बाप से उसे खास तरह का उसका एक डिस्टेंस या एक मुकाबले का एक रिश्ता रहे, और लड़की जो है वो इसी तरह से अपने बाप के साथ इन्फ्लुएंस में रहे, उसकी जिंदगी में जो भी मर्द आए उसके बाप के जैसा, उसके बाप से मिलता जुलता, उसके बाप की तरह का होना चाहिए, और अपनी माँ के साथ उसका एक खास मुसाबकत का, एक खास मुकाबले का जो है रवैया रुझान रहे। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जाने माने हुए हैं। साइकोलॉजी इन चीजों को मानती है, नफ्सियात इन चीजों को जानती है, और आपको पता है हमारे पूरे माशरे में माँ और बेटे का रिश्ता और ताल्लुक बड़ा मजबूत है, इसलिए कि मर्द की सोसाइटी है ये, और औरत इस माशरे में महकूम भी है, मजबूर भी है, वजह के इस्लाम ने उसे बहुत सारे हकूक दिए जो माशरे ने कबूल नहीं किए, माशरे ने उनको नहीं माना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ये भी कहता है तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। सो माँ और बेटे का ताल्लुक इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि माँ एक ऐसे मर्द की परवरिश कर रही है कि जिस मर्द ने एक खानदान की सरबराही करनी है, और उस मर्द ने इस माशरे में भी एक बड़ा की रोल प्ले करना है, और उसके साथ साथ खानदान में तो उसका की रोल है ही। सो ये रिश्ता कैसे खूबसूरत और सेहतमंद हो सकता है और इसको बीमार होने से बचाया जा सकता है, ये हम जानेंगे आज रिश्तों के माहिर वेल नोन साइकेट्रिस्ट जनाब डॉक्टर मोहद्दत राणा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बताइएगा, माँ और बेटे का रिश्ता, कहते हैं ये तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत माँ है। जी, आपने जो पिछला प्रोग्राम मेरे साथ किया उसमें हमने बात की मियाँ बीवी के अहम तरीन रिश्ते पर, तो आज के मौजू में आपने बहुत जहानत से एक ऐसा मौजू चुना है जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है उसी एक रिश्ते से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है। मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन ये जानते मानते होंगे कि एक हेल्दी मियाँ बीवी के रिश्ते में कितना बड़ा रोल प्ले करती है उस लड़के की माँ, और इसलिए इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि खुद उसका जो अपने बेटे के साथ रिश्ता है वो कितना सेहतमंद, कितना हेल्दी है, इस पर डिटरमिन होता है कि वो कैसी कैफियत से उस नई आने वाली दुल्हन को उसका इस्तकबाल करेगी और उसको कबूल करेगी। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बेटों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। जी, सिर्फ और करती हैं, ये कोई इसको माने ना माने लेकिन ये हकीकत है कि ऐसे होता है। वो देखिए हज़रत अली अलैहि सलाम में बहुत खूबसूरत कौल है कि अल्लाह ने हर उस चीज में इंसान की जहमत रखी है जिसमें उसकी राहत है। सही, तो माँ से ज्यादा पुरराहत क्या चीज होगी किसी भी शख्स की जिंदगी। अब जहमत भी वहीं से आएगी, वही कि अगर उसने प्रोपोर्शनेट तरीके से पढ़े लिखे अंदाज में समझदारी से अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता कायम ना रखा तो फिर मामलात बिगड़ जाएंगे और उससे तरह तरह की मुआशरती दिक्कतें और प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और किसी एक प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे कि बेटी और माँ का क्या रिश्ता होता है।
और आज आपने जैसे कहा कि बेटी और वालिद का क्या रिश्ता होता है, असल में कहानी जरा सा पहले शुरू होती है। ये जो माँ है जो इनसिक्योर है, जिसके बारे में आपने बहुत सारे अभी अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कभी बेटी थी जी। उस वक्त जो उसको इनसिक्योरिटी माशरे ने और घर में दी गई थी, वो इनसिक्योरिटी किसी तरह से उसके अंदर एक खला पैदा करती और उस खला की वजह से वो अपने आप को हर वक्त कमजोर महसूस करती। उस कमजोरी की कैफियत में वो ये देखती है कि उसका शौहर, जिसकी उम्र आहिस्ता 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 वो ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द माउंटेन, लीवर्ड साइड पे चला गया है, यानी कमजोर हो रहा है वक्त के साथ। और वो जाबिर जिसका उस पे कब्जा था जी, वो अब उसका कब्जा जो है वो कमजोर होता जा रहा है और ये मजबूत हो रही है क्योंकि इसका पुत्र जवान हो गया। हाँ, इसका बेटा एग्जैक्टली, और ताकत का जो है वो अब शिफ्ट होगी, इकदार अब शिफ्ट होगा। तो अगर वो कमजोरी, बुनियादी कमजोरी या खला उसके अंदर नहीं होगा, तो ना तो वो अपने शौहर से इस तरह की हॉस्टाइल कैफियत में जाएगी कि जिससे वो जब ढल रहा है तो वो अपने आप को मजबूत महसूस करना शुरू कर दे, बल्कि उसकी हिम्मत बनाएगी और उसके साथ खड़ी होगी। और दूसरा, उसकी जो डिपेंडेंस इस नौजवान गबरू पर होती चली जा रही है, अब इस हवाले से भी जो आपने एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा, और इस हवाले से भी कि अब मुझे अपनी तमाम तर एनर्जीज इस शख्स में इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि मैं तो वही खला वाली और वही नातवाना और कमजोर माँ हूँ। तो उसका जो बॉन्ड अपने बेटे के साथ बनता है वो हेल्दी नहीं रहता अपनी उस इनसिक्योरिटी की वजह से। जब उस लड़के की जिंदगी में देयरफॉर एक और खातून एंटर होती है, तो ला महाला उसके अंदर एक सेंस कॉम्पिटिशन की और खौफ की पैदा होती है। डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंगली हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जी, जो कि इस स्टेज से ही कॉल करके बात करना चाह रहे हैं इस विषय के बारे में, तो मैं चाहूंगी उनको शामिल जी बिल्कुल की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा फरा, आपसे ये टॉपिक जरा हटके हो जाएगा, मगर कहना ये था कि मेरे दो बेटे हैं जी। बड़ा बेटा मेरे साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है, जबकि छोटा बेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है, मेरी चाहत होती है कि वो मेरे साथ अटैच रहे, मगर वो अपने फादर के साथ ज्यादा है। सही, मुझे उसको यानी तकलीफ होती है बाज़ों का देख के कि मेरे साथ, हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो मेरे साथ क्यों नहीं इतना अटैच होता। ठीक है, अच्छा माही, ये डिस्कस करते, लेकिन यही केस मेरा भी है। यानी मैं खींच खींच के अपने बड़े बेटे को अपने साथ कर रही होती हूँ, और वो उसको बिल्कुल मेरे में कोई दिलचस्पी और इंटरेस्ट नहीं होता, और उसका सारा ध्यान और तवज्जो उसके बाप की तरफ होती है। और मेरा छोटा बेटा इसी तरह, खाना भी मैं बना रही होती हूँ तो मुझे होता है कि मैं उसकी पसंद का, छोटे बेटे को शिकायत भी होती है, मगर माँ उसमें ना एहसास कंपनी में चली जाती है इनके इस बिहेवियर से। बिल्कुल सही। दूसरा ये था कि फराज, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, अगर आप मुझे ये गिफ्ट कर दे तो। अच्छा चले, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। माहीन आप अपना लेकिन जरूर छोड़िएगा अपना, प्लीज एड्रेस जहाँ पे आपसे रब्ता करके आपको भिजवाया जा सके। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, के बेटा और बाकी ऐसे होता है कि आपको लगता आपको है। और माहीन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बड़ी अनयूजुअल माएं हैं जिनकी अपने बेटे के साथ ये वाली कैफियत है। जो मेरे लिहाज से अगर उनकी, माहीन के बेटे की और आपके बेटे की मुझे उम्र पता हो तो मैं शायद ज्यादा स्पेसिफिकली बात माहीन का तो मुझे नहीं पता, मेरे की जैसे माशाल्लाह ही बी टर्निंग 11। अच्छा माशाल्लाह, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप दोनों को कि आपके बड़े बेटे जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन अब अपने वालिद से ज्यादा होने। ये बहुत रेयर लेकिन बहुत हेल्दी अमल है। देखिए, जिस शख्स को माशरे में उसने कॉपी करना है, जिस शख्स से उसको माशरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी है, जिस शख्स से वो रोल्स उसने सीखने हैं जो उसको माशरे में अदा करने, उसका वालिद है। वो कभी भी किसी की वालदा नहीं होगा ये लड़का। सही। तो ये जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वालिद के साथ, ये एक हेल्दी स्टेप है। हाँ, अगर शुरू से ही उसकी कोई हॉस्टिलिटी अपनी माँ के साथ हो तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि एक माँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लड़के की परवरिश में है। लड़के की परवरिश में उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है, उसके अंदर जो एहसास है दूसरों का, उसके अंदर जो दूसरों के दुख और दर्द को बांटने की कैफियत है, जो एक मर्द में दूसरे की नशोनुमा में हिस्सा लेना और उसको नर्चर करने की कैफियत है, ये सारी कैफियत है। ये रहमदिली, ये प्यार, ये उन्स, ये माफ कर देने का जज्बा, ये दिल में कीना ना रखने की चीजें, ये वो सब माँ से सीखता है। सही। तो अगर उसका कमजोर रिश्ता होगा अपनी माँ से पहले 12 साल में, तो उसके अंदर ये तमाम कैफियतें मुश्किल से पैदा होंगी। लेकिन अगर 12 साल के बाद भी यही कैफियत उसकी अपनी माँ के साथ रहे कि वो ओवर अटैच्ड अपनी माँ के साथ रहे, तो क्या होगा? नतीजतन उसका अपने
والد سے فاصلہ جس کا آپ نے ذکر کیا, اور دیر فور اس کی زندگی میں وہ رول ماڈل یا وہ ایگو آئیڈیل جس سے اس نے زندگی کے آنے والے دنوں میں سالوں میں سیکھنا تھا کہ اسے وہ رولز کس طرح نبھانے ہیں, اس کے لیے کوئی سوچ نہیں رہے گا اور نتیجن وہ ڈھونڈتا پھرے گا مختلف لوگوں میں اپنے اس باپ کی شبیہ کو, اور دیر فور مشکلات میں یہ گھر چلا جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ پھر تھوڑا سا چھوٹے بچے کے بارے میں یا چھوٹے بیٹے کے بارے میں مائیں جیسے انہوں نے کہا کہ میں تو انفیریورٹی کمپلیکس میں چلی گئی. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا والا جب یہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو گود میں اٹھایا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے تو وہ آبویسلی تھوڑا سا اسی وقت سے اس کے اندر ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. سو اس کو واپس اپنی طرف لانا پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے بڑی خوبصورت چیزیں ہمارے معاشرے میں, ایک چیز جو بڑے اور اس سے دوسرے نمبر پر آنے والے بچے کے درمیان وقفے کی کیفیت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ نفسیاتی طور پر 3 سے 5 سال کا وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں جیلسی کی فیلنگز بچہ سیکھتا ہے. صحیح. 3 سے 5 سال, اس سے پہلے اس کے اندر جیلسی ہوتی نہیں. ٹھیک ہے. 3 سے 5 سال کے دوران جب ایک بچے کی عمر 3 سال ہے یا 4 سال ہے اس وقت ہی اس کے گھر میں ایک اور چھوٹی بہن یا چھوٹا بھائی آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ہاں وہ کیفیت جیلسی کی, اس کے پاس ایک آبویس مل گیا اس کو سورس جیلس ہونے کا. لیکن اگر 5 سال سے زیادہ کا وقفہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ فیلنگز اس میں سے نکل جائیں گی جیلسی کی. اچھا. اور وہ میچورٹی کے ایک اور لیول پر چلا جائے گا 5ویں سال میں. تو اگر ہمارے معاشرے میں اتنا وقفہ ہو ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان تو یہ جیلسی کی فیلنگز نہیں پیدا ہوں گی. یہی جیلسی کی فیلنگز ہیں جو آگے بڑھ کر پریجڈس کی شکل اختیار کرتی ہیں, جو معاشرے میں نفرتوں کو جنم لیتی ہیں, اور جو معاشرے میں آج آپ دیکھتے ہیں کیفیتیں جیلسی کی اور اگریشن کی اور جائیداد کی خاطر بھائی بھائی کو مار دیا یا بہن بھائی کا حق مارنے کے لیے معاشرتی لیول پر طرح طرح کی آپ دیکھیے مظالم, طرح طرح کی کیفیتیں, یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ان کے پیچھے وہ والی سائیکولوجیکل میل ڈیولپمنٹس ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں واپس ماں اور بیٹے کے رشتے پہ اور تعلق پہ. اب وہ ماں جو ہے اپنی انسیکیورٹیز کو, اب یہ ہیلدی ایک ماں بیٹے کا ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ انہیلدی ریلیشن شپ یہ ہے کہ ماں اس کو جینے نہیں دے گی, وہ چاہے گی عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. وہ کہے گی کہ میری مرضی کے مطابق لڑکی آئے گی تو میری مرضی کی, وہ رہے گی تو میری مرضی سے, وہ کس وقت سوئے گی اور کس وقت اٹھے گی میری مرضی سے, وہ کس کیا پہنے گی, کس سے ملے گی, کس طرح کا اس کی ڈریس اپ ہوگی, کس طرح کا میک اپ کرے گی میری مرضی سے. یعنی وہ سارا کچھ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میری مرضی سے ہو, اس لڑکے کی جو زندگی ہے یہ میرے حکم کے مطابق چلے, اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو. بہت اور پھر وہاں آ جاتا ہے فرما برداری. بہت بڑی ٹریجڈی اور تقریباً ہر گھر کی کہانی. ہاں بلکہ کہیں کہ گھر گھر کی کہانی ہے یہ جو کیفیت آپ نے بیان کی. لیکن اس کے سورس ہے, میں تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک ماں کو اپنے بچے کو کئی دفعہ جنم دینا پڑتا ہے زندگی میں. دیکھیے پہلی دفعہ جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو آپ تو خود سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچے اور ماں کے درمیان میں ایک امبلائیکل کارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 38 ہفتے اس نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا. اب یہ رشتہ جو اس کا اس بچے کی زندگی کی علامت تھا اور خود اس کی زندگی کی علامت تھا, یہ رشتہ اس کارڈ کی وجہ سے تھا. اگر ڈاکٹر یہ کارڈ نہ کاٹے اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ برتھ کے بعد اس کارڈ کا قائم رہنا اس بچے کے لیے بھی عذاب ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے اور ماں کی زندگی کے لیے. اس لیے فوراً پیدا ہونے کے بعد یہ کارڈ کاٹنی پڑتی ہے. یہی کارڈ کئی دفعہ ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کاٹنی پڑتی ہے ایک اور لیول پر. یہ تو ایک فزیکل کارڈ. ٹھیک ہے. دیکھیے جس وقت ماں اپنے بچے کو معاشرے کے حوالے کرتی ہے, اسکول بھیجتی ہے, اس کے چچاؤں ماموں اور دوسرے رشتے داروں کے حوالے کرتی ہے اپنی گود سے نکال کے, تو ایک دفعہ پھر اس کا دل اسی طرح سے ایسے چھوٹا سا ہو جاتا ہے جب وہ پہلی دفعہ اسٹرینجر کو اپنا بچہ دیتی ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی طور پر بچے کے لیے کارڈ کاٹنے والی کیفیت ہے. اس کی کیفیت اپنے بچے کے ساتھ اب پھر کارڈ کاٹنے کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہر وقت اپنے بچے کو اپنے گود میں لیے رہے گی, جس کو ہم اوور پروٹیکٹیو مدر کہتے ہیں. یعنی ایسی مدر جو ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ جڑی رہتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی ماں نے وقت پر وہ نفسیاتی کارڈ, پہلے فزیکل کارڈ کاٹی تھی, اب نفسیاتی کارڈ نہیں کاٹی. اچھا اب یہ دوسری دفعہ آپ دیکھیے کہ برتھ دے رہی ہے وہ بچے اسکول کے حوالے کرے, ایک وقت آئے گا یہی 11, 12, 13 سال کا جب اس بچے کو, اب بچہ نہیں ہے, اب جوان ہے, اس کے ہارمونز پیدا ہو گئے, لیکن ماں اس کو بچہ ہی کہتی رہے گی. صحیح. اب وہ اپنے دوستوں میں گھومنا چاہتا ہے, وہ اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے,
उसको कुछ आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, उसको अपनी स्पेस चाहिए, वो कुंडी बंद करना चाहता है अपने कमरे की, वो अलग होना शुरू होता है। अगर माँ ने इस वक्त अपनी तीसरी सोशल अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटी, मुआशरती तौर पर ये कॉर्ड सोशल लेवल पर ना काटी, तब वो बच्चा घुटन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये माँ हर वक्त जो है ना ये मेरे पीछे साए की तरह लगी रहती है। और आप देखेंगे ये वो टाइम है जब बहुत सारी माएं जो इस वक्त सुन रही हैं आपका प्रोग्राम, ये जानती हैं कि उनका बच्चा अचानक, क्योंकि उसको बार बार बच्चा कहा जा रहा है, तो वो गुस्से में रहने लगता है। वो इज्जत और प्यार से जो बात अपनी माँ से किया करता था, उसकी वजह बदतमीजी पर उतर आता है। और ये जो बदतमीजी की कैफियत है, ये माँ को बर्दाश्त नहीं होती, उसका दिल टूट जाता है। कि जिसको मैं पाल के पोस के बड़ा कर रही थी और मेरे हाथों में बड़ा हो रहा था, अब ये मुझे आंखें दिखाने लगा है। उस वक्त वो ये नहीं जान पाती कि असल में वो अपनी स्पेस ढूंढ रहा है। इस वक्त वो चाहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो, मुझे अपनी तन्हाई बहुत प्यारी है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ छोड़ दो, मुझे अपने दोस्त बहुत प्यारे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम प्यारी नहीं हो। तो वो आइदर और की कैफियत से इस वक्त माँ को निकल के और तीसरी दफा ये सोशल अम्बिलिकल कॉर्ड काटनी। अब इसी तजर्बे से वो बड़ा होता जाएगा इंशाल्लाह, और फिर उसकी जिंदगी में एक और औरत दाखिल होगी जो एक नहायत नॉर्मल, नहायत हेल्दी अमल है, फित्री अमल है जो अल्लाह ने पसंद किया है और बेहतरीन अमल है। और माशरे की तरवीज, तरक्की, माशरे की सारी कैफियात जो बाद में होने वाली है उसमें ये, और प्रोक्रिएशन का अमल, उसमें ये रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये चौथी दफा ये अम्बिलिकल कॉर्ड ना काटी, ये जज्बाती अम्बिलिकल कॉर्ड है, जज्बाती जो माँ और बेटे के दरमियान कायम है, तो क्या होगा इस कॉर्ड के ना कटने की वजह से कि यही लड़का जो आपने बात की थी अब ढूंढने लगेगा एक ऐसी लड़की जो उसके माँ का अक्स हो। अब शादी अगर हो भी गई उसकी किसी के साथ माँ के अप्रूव से, पहले तो वो कहेगी भी दुल्हन तुम्हारी मैं ढूंढ के ला रही हूँ बस। और वो कैसे ढूंढ कर लाएंगी कि वो ऐसा कुछ ढूंढेंगी जो उनसे मिलता जुलता। अच्छा अब आ गई, अब वो कहने लगेगा उसको कि नहीं तुम मेरी माँ जैसी नहीं, तुम उसके जैसी रोटियां नहीं पकाती, तुम उस तरह मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम उस तरह मुझे नवाले बना बना कर नहीं देती। अब देखिए वो अचानक बिल्कुल मुन्ना हो गया है। तो आप चाह रही थी कि वो दुनिया में अब आपका नाम करे, आप चाहती थी कि दुनिया में कामयाब और कामरान हो, ये शादी उसके अंदर एनर्जी पैदा करे और एक सिक्योरिटी पैदा करे जिससे वो मुआशरे के सारे चैलेंजेस को कबूल करके और उनके साथ डील कर सके। तो अगर इस माँ ने वो जज्बाती अम्बिलिकल कॉर्ड इस वक्त नहीं काटी, तो वही असर होने वाला है जो पैदाइश पे था। अब इसका बॉन्ड अपनी इस आने वाली दुल्हन के साथ बन नहीं सकता, ये कॉर्ड कटेगी तो नई कॉर्ड लगेगी। माँ जब इसकी इजाजत नहीं देती तो फिर क्या कैफियत घर में पैदा होती है कि ये बेटा हर वक्त इस तजबजब का शिकार रहता है, दफ्तर से घर आते हुए, काम से घर आते हुए, यूनिवर्सिटी से घर आते हुए, कि अब मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊँ या अपनी बीवी के पास। इससे बढ़कर डॉक्टर साहब, मैंने तो मर्द को इस डिलेमा का शिकार भी देखा है कि वो अपनी बीवी के पास जाता है तो उसे लगता है वो गुनाह कर रहा है, उसे लगता है कि वो अपनी माँ की नाफरमानी कर रहा है, उसे लगता है कि उसने कोई ऐसा अमल है ये जो कि बहुत ही गंदा है और बहुत ही मकरूह है, इसलिए कि असल जन्नत और असल काम तो माँ की खुशनुदी है। तो ये तो मामला जो है ये उसके लिए अहम है ही नहीं। डॉक्टर साहब यहीं पे रुकते हुए ब्रेक के लिए, कि वो बहुत अहम है, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड से आगे जी, सो एक ब्रेक की बात हो रही है आपसे मिला। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, आज हम माँ बेटे का रिश्ता जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसे सेहतमंद रखना है ताकि उस बेटे की जिंदगी भी खुशगवार हो, माँ की भी, और उनसे जुड़े हुए जो और बहुत सारे रिश्ते जन्म लेने वाले हैं वो भी सेहतमंद रहे। डॉक्टर मोहद्दत राणा इस पे हमारे से बात कर रहे हैं। अच्छा, पांचवी अम्बिलिकल कॉर्ड जो थी वो तो थी जज्बाती, ये चौथी थी, पांचवी कौन सी? पांचवी कॉर्ड फरा है रूहानी। अच्छा, देखिए हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो जिंदगी में ये डिस्कवर करे कि जिंदगी में उसकी रूहानी कैफियत क्या होंगी। अक्सर माएं अपने प्यार में अपने बच्चों के साथ और अपने बेटों के साथ बिलखसूस ये चाहती हैं कि वो बिल्कुल उसी अंदाज से अपनी रूहानी जिंदगी गुजारें, उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को अपनी जिंदगी में मर्ज कर लें, उसी अंदाज से अपने खुदा से वो रिश्ता कायम करें जिस तरह से उनका था। तो ये जो देखिए आपने जो उसको प्रिपेयर किया वो एक ऐसे वक्त के लिए किया जो आपने वक्त देखा ही नहीं। सही। तो आप एक ऐसे वक्त के लिए कैसे किसी को प्रिपेयर कर सकते हैं जो वक्त आपने देखा नहीं है। सही। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब
आपकी जज्बाती लगाव में एक बैलेंस आ जाए अपने बेटे के साथ, तो फिर उसे मौका मिले कि वो अपने बिलीफ्स डिस्कवर करना शुरू करे जिंदगी, वो अपनी रूहानी जिंदगी के जो तरजीहात हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो डिस्कवर करना शुरू करे, क्योंकि इसके जरिए ही उसका अपनी रूह से एक ऐसा इंडिपेंडेंट कनेक्शन बनेगा जिसकी बुनियाद पर वो कल हिसाब दे सकेगा अपने अल्लाह को। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें ये भी है कि माँ को सबसे ज्यादा प्यार भी होता है अपने बेटे से, उसको वो चाहती भी उसका बुरा नहीं है, कोई माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती, उसे अनइंटेंशनली या उसको समझ ना हो और वो कर जाए बुरा तो एक अलग बात है, लेकिन बाज़ुकात माँ अपने बच्चों को बहुत सारी सही गलत बातों से रोकना भी चाह रही होती है, रोक नहीं पाती क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, मानने को तैयार। अब ये इस स्टेज पे भी ना पहुंचे कि हम उसकी जिंदगी जीने का हक भी उससे छीन ले, और ये भी ना करें कि हम उसे ये भी ना बता सकें कि बेटे ये आग है, जल जाओगे अगर इससे खेलोगे तो, ये कैसे हो और कैसे ये इस रिलेशनशिप का जो मकसद है कि माँ बच्चे को तैयार करे कि सिर्फ उसी की जन्नत पक्की ना हो, बच्चे की भी, कि उसके माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ की भी जन्नत इसी में है कि बच्चों की तरबियत का सवाल होगा कि ये बच्चा जिसपे आप आज कहती है मेरा बेटा कामयाब है, इस बेटे की नाकामी को भी ओन करें कि मेरा बेटा नाकाम है तो ये भी मेरी नाकामी है, बड़ी अच्छी, अगर वो एक अच्छा शौहर नहीं है तो मेरी नाकामी है, एक अच्छा इंसान नहीं है तो मेरी नाकामी है, हाँ मैं नाकाम हूँ यहाँ पे। अच्छा मैं तो जरा सा ये जो कैफियत है और ये इतनी शिद्दत है कि नाकामी और कामयाबी मेरी वजह से, इसको कम करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त आपकी वसादत से, कि वो अपने आप को हर चीज के लिए बेटे के रिस्पॉन्सिबल ना ख्याल करे, बल्कि उसको एक इंडिपेंडेंट इंसान, ठीक है, जिसका मुआशरे के मुख्तलिफ रिश्तों, मुख्तलिफ नातों के साथ री इन्वेस्टमेंट हो वो कैपिटल मोहब्बत का, जो पहले सिर्फ एक बैंक में था माँ की। सही। आपको मालूम है कि सूद इसलिए हराम है क्योंकि उससे एक ही जगह दौलत मुर्तकिज हो जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो मोहब्बत भी हराम है उसी सूद की तरह, जहां मोहब्बत एक जगह मुर्तकिज हो जाए किसी भी, क्योंकि वो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती मुआशरे, ठीक है, ठीक है। इसलिए इस शख्स के लिए, इस मर्द के लिए बहुत जरूरी है कि इस बैंक अकाउंट को बंद नहीं करना, इसमें एक बेयर मिनिमम अमाउंट जरूर रखनी है, लेकिन इसमें से कैपिटल मोहब्बत का निकाल के अपने आने वाली बीवी, अपना दफ्तर, अपने कॉलीग्स, अपनी औलाद और उसके अलावा अपने रब, ये सब जो उसके रिश्ते इंडिपेंडेंटली कायम होने वाले हैं, इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स जो खोल रहा है, इसमें पैसे इसी अकाउंट से जाने वाले हैं। बिल्कुल सही। इसलिए इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। मैं खासतौर पर वापस जाना चाहता हूँ उस कैफियत में जो कि मेरे ख्याल में घरों में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि माँ और बेटे के रिश्ते में जिस वक्त एक लड़की उस घर में बहू की हैसियत से आ जाती है, तो अचानक उस लड़के को जज बना दिया जाता है। अच्छा अब क्या हो रहा है कि दोनों अपना अपना केस अलहदा अलहदा प्लीड कर रही हैं, हालांकि अदालत में ये होता है कि दोनों लोग जो है वो एक ही वक्त में केस प्लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, तुम जरा इसको इशारे से मतलब ये कि इसको भेजो कमरे में, ये भी आता है तुम जाओ, और फिर उसके साथ बैठ के पूरे दिन की कहानी, तो उसने ये किया, वो 11 बजे सो के उठी, वो तो कुछ काम ही नहीं करती, मैं तो खुद जाके अपनी रोटी पकाई, मैंने तो खुद पानी लाई और ये और वो। अच्छा अब वो बैठ के ना वो उबल रहे हैं, गुबार उठ रहा है उनके अंदर कि हाँ मेरी माँ के साथ ये सलूक, और वो अपने आप को बहुत ग्रैंड महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको एक खड़ा कर दिया ना जज की कैफियत में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जज बहुत ताकतवर होते हैं। सही। तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, इसी कैफियत में वो मूंछों को ताव देता हुआ उस कमरे में दाखिल होता है जहां एक खातून सुबह 12 घंटे से उसका इंतजार कर रही है। जी। अच्छा और उसको भी वो भी कान लगा के सुन रही है वहां कि माँ बेटे के दरमियान क्या गुफ्तगू, तो वो अपनी जगह पे भरी बैठी है। अब यहाँ एक और कैफियत कि यही जज और एक नया केस, मेरा ख्याल है ये केस जो है ना लंबा है और कॉम्प्लेक्स है डॉक्टर साहब जी, इस केस को क्यों ना अगली पेशी में भुगता जी जरूर भुगताएंगे, लेकिन कहना बस ये जरूर मकसद है आज कि खुदा के लिए उस शख्स में ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो दो खवातीन के जज्बात और एहसासात को समझ सके, वो औरत नहीं है। अगर ये दोनों लोग आपस में बैठ के अपनी उन सिक्योरिटीज और उन कैफियात को, ये सास और ये बहू दो सहेलियों की तरह, दो दोस्तों की तरह अपने उन मामलात और जज्बाती कैफियात को शेयर कर लें, तो इस शख्स को कैसे करें डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ और जज्बाती सेहत सबसे ज्यादा मुश्किल है हमारे मुआशरे में। हम जितने बीमार होते हैं, ये जो हमारा जुनून, इश्क, मोहब्बत है, ये सब बीमारी की कैफियत है, चले गए हैं नहीं वैसे, मतलब है नहीं, बहुत अजीम जज्बे हैं है। लेकिन जब इनकी प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाएगी, तो ये अच्छा, लेकिन नेक्स्ट में जनाब वकील साहब हम ये यही केस दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे जी जरूर, और इसकी समाप्त जो है वो अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप तशरीफ लाए। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हो रही है आपसे मुलाकात, मिलेंगे हमें हमारे वेल नोन जर्नलिस्ट जनाब रऊफ क्लासरा साहब, उनसे गुफ्तगु प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। जर्नलिज्म और सहाफत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो खतरों से भरी हुई है, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे कहते हैं कि जर्नलिस्ट को सबसे ज्यादा खतरात लाहक है, और जो दुनिया में चंद ममालिक हैं जहाँ पर के जर्नलिज्म एक मुश्किल काम है और खासा जिसे कहते हैं चैलेंजिंग काम है, पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में खासे अच्छे नंबर पे आता है। यहाँ पर जिन लोगों ने अपना नाम और मुकाम बनाया और बहुत सारी ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं कि जो आज तक हम समझते हैं कि शजर ममनू है, बात नहीं की जा सकती, वो लोग जाहिर है कमाल रखते हैं। और मेरे आज के मेहमान जो है वो इस अंदाज में कमाल रखते हैं कि बड़ी ओपन सीधी सीधी बातें, और बड़ी इन्होंने कुछ रिपोर्ट ऐसी की कि जो खासी लग रहा था कि मुश्किल होंगी इनके लिए। आज इसी हवाले से हमने इनको यहाँ पे प्रोग्राम में दावत दी है। इससे पहले भी आपकी मुलाकात इसी प्रोग्राम में इनसे हो चुकी है। मेरे साथ हैं हमारे वेल नोन जर्नलिस्ट जनाब रऊफ क्लासरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल फाइन, थैंक यू। अच्छा, एक कॉलमिस्ट से एक जिसे कहते हैं हार्डकोर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, ये सफर ये बड़ा मुश्किल वैसे सफर था। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली मैं प्रिंट जर्नलिज्म का आदमी हूँ। आज भी मेरी जो पहली मोहब्बत है या आप कह सकते हैं शौक है, वो मुझे प्रिंट का है। सही। अच्छा, मैं हमेशा टीवी जर्नलिज्म से दूर रहना चाहता था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं ड्राइव करके आपको किसी ना किसी, और मैंने इसको रेजिस्ट किया बड़े अरसे तक कि मैं टीवी जर्नलिस्ट ना बनूं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते गए। अच्छा, फिर मैं ट्रेन नहीं था ये उसके टीवी जर्नलिज्म के लिए कि एक एक उसमें लिखते हैं, आपके पास टाइम होता है, एडिट कर लिया बात को, दोबारा कोई चीज लिख ली, कॉलम फिर लिख लिया, खबर फिर लिख ली, अपना को आप उसमें टाइम देते हैं। अगर कोई गलत बात आपने लिख दी उसको ठीक कर सकते हैं। तो टीवी पे ये काम नहीं है। अब आप एक लाइव कर रहे हैं, आपके पास कोई स्पेस नहीं है कि जब आपने जो बात आपके मुंह से निकल गई, मैंने गलत बात कर दी, उसको एडिट किया जा सकता है। लाइव जा रही है, जबान से निकला तीर जो है वो गया फिर आपका। सो इसलिए मैं बड़ा इस चीज से वो था कि मैं बड़ा वोकल हूँ, बड़ा ये ब्लंट हूँ। तो कई जगह मुझे इस पे होती थी फिक्र, क्योंकि ऐसी बात ना कह दो जो ज्यादा गलत हो जाए, जिसपे ज्यादा आपको सोशली अदरवाइज एक्सेप्टेबल ना हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर फाइनली मेरा ख्याल है कि अभी जब इन्होंने हमारा दुनिया टीवी का प्रोग्राम का शुरू हुआ, खबर ये है जिसको हम सुबह होस्ट करते, मैं हूँ और मैसद काजी सईद साहब हैं, जिशा आज शाहजा जिशान है हमारे साथ, तो मुझे उन्होंने यही पेशकश की कि आप आए हमारे शो के साथ वो करें। हमारे समी साहब हैं, वो उनको एक और शो मिला तो स्लॉट खा ली हुई। मैं रेजिस्ट किया इस पे, मैं कब कौन सुबह उठेगा 7 बजे। फिर मेरी वाइफ ने इस पे मुझे बड़ा इंकरेज किया कि अब ये नहीं हो सकेगा, मुश्किल हो जाएगा कि एक एक मीडियम आ रहा है। हाँ। अब कितनी देर तक उसमें रहेंगे, भी प्रिंट में रहेंगे, आपको दोनों को यकचा करना पड़ेगा। सही। तो मैं कि यार अगर मैं सुबह 7 बजे उठ सकता या 6:30 बजे उठ सकता तो मैं सरकारी नौकरी करता। और मैंने 20 साल सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की, और मैंने कभी अप्लाई नहीं किया सरकारी नौकरी वगैरह के लिए, इसलिए नहीं किया था, लेकिन बेरोजगार रहा हूँ बड़ा समय, कि मैं मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। अच्छा। तो आप अल्टीमेटली 20 साल बाद मुझे सुबह उठना पड़ गया। वो काउंसलिंग की अपनी एक इंसान में होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, लेकिन इस बात को मानेंगे कलम की ताकत ज्यादा है हमारे मुआशरे में कि जबान की ताकत ज्यादा है? ये बड़ा आपका बड़ा अहम सवाल है। दोनों को अपनी अपनी इस पे इम्पोर्टेंस है। अब जो मैंने जाती तौर पर कहा कि मुझे पसंद है लिखना, कि मैं अपने आप को मैं लिख के ज्यादा मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या ये टीवी ने एक अच्छा काम किया है, मतलब बुराइयां भी यही हैं 2-4 जिसे हमारे मुआशरे में, मतलब पोलराइजेशन या बुराई, मेरी कोई मैं कोई मजहबी तौर पर उस मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं और किसी साइड पर बात कर रहा हूँ, उसको बताता हूँ मैं। हमारा जो हमारा 70-80% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो देहातों में रहती है। मैं खुद देहाती आदमी हूँ, तो मुझे पता है वहां पे कभी अखबार नहीं पढ़े जाते थे, कभी रेडियो कोई ना सुन ले कोई। अच्छा, वहां पे परचेजिंग पावर नहीं है, अखबार नहीं पहुंचते, इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप था अर्बन में, रूरल में जो डिवाइड बढ़ रही थी, उसको इस ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन जर्नलिज्म ने आके उस गैप को ब्रिज किया, जो बहुत बड़ी सक्सेस है। कि अब आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने आप को इक्विप करने के लिए इन्फॉर्मेशन के वेपन से आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब एक टीवी है, और मुझे याद है गांव में जब हम अपनी बस्ती में बैठते थे, हमारे मामू एक दफा 84-86 में टीवी लेके आए पहली दफा, वहां पर पूरी बस्ती हमारी इकट्ठी होती थी, और पूरे लोग बैठ के उसको खबरें भी सुन रहे हैं, ड्रामे भी देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप ये कह सकते हैं फखर करना चाहिए, प्राइड लेना चाहिए, इन्होंने उस गैप को फिल किया है। कि ये नहीं है कि मेरे बच्चे या आपके बच्चे अगर इस्लामाबाद में क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कम से कम अगर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही देहातियों को, मेरे जैसों को, जो मेरे या आपके बच्चों को यहाँ पे मिल रही है, उनको इन्फॉर्मेशन वो बराबर की मिल रही है। अब उन्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। सो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इसकी, जो प्रिंट के जरिए हम नहीं कर पा रहे थे। सही। तो इसके अगर दूसरा एंगल मेरे जहन में आपकी बात के दौरान ही आया है, वो ये कोई कहते नहीं लाइल्मी हजार नेमत है। ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, जिसमें लगा कि जी क्लासरा साहब के पास तो सारा कुछ है, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, तो इनसे तो छीन लेना चाहिए, फिर इनको तो हक ही नहीं है, ये तो हमारा हक गजब कर रहे हैं, ये खा गए हमें, लूट गए। तो फिर ये जो एक तबकाती कश्मकश, और ये जो फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन
जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई लेकिन उनके पास कोई हक नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि अपने हक जो है उसे हासिल कर सके। इसी तरह स्कैंडल्स की मुझे याद पड़ता है आपके सवाल से, मुझे आरएफ वाला से एक सीएनजी स्टेशन के मालिक का फोन आया, ये कोई मैंने कॉलम लिखा था कोई किसी करप्शन स्कैंडल से रिलेटेड, उसने कहा राउ साहब आपसे एक दरखास्त करनी है, मैंने मुझे नाम उनका भूल रहा है, मैं एक्चुअली बताएं सर, उन्होंने कहा जब इस तरह के आप कॉलम लिखते हैं ना या बात करते हैं एक्सपोज करते हैं कि किस किसने कितना कितना लूट लिया और बगैर किसी उसके, और वो सेलिब्रिटीज भी हैं मुअज्जिज़ीन भी हैं जिनको हम टीवी पे भी लाते हैं पेपर भी करते हैं हिज एक्सीलेंसी भी कहते हैं और वो लूट भी रहे हैं इस मुल्क को, मतलब इस मुल्क का जुल्म देखें, उसने कहा जो यहाँ का तबका है हमारे यहाँ आरएफ वाला ये मतलब ओवरऑल वो बात कर रहे थे तो ये तो यहाँ का मुलाजम तो ये समझेगा कि इस्लामाबाद में तो बहुत बड़ी लूट मची हुई है और मैं यहाँ पे 500 रुपए पे खड़ा नौकरी कर रहा हूँ। कहते ये उनको इंसेंटिव मिल रहा है कि अगर इस्लामाबाद में बैठे हुए बड़े बड़े लोग या आपके लाहौर कराची और इन शहरों में बैठे हैं वो डाके मार रहे हैं और वो मुअज्जिन भी हैं, वो वजीर भी हैं, वो सफीर भी हैं, वो बाबूज भी हैं, कहते ये तो तबाही मच जाएगी और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा करेगी। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि जो आरएफ वाला से वो कॉल थी मुझे वो कितनी सीरियस बात कह रहे थे कि जब लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे इतनी कुछ यहाँ पे लूटा जा रहा है जी। और हम यहाँ पे ना दिहाड़ी लगा रहे हैं 30 रुपए की लगा रहे हैं किसी पंप पे खड़े हुए हैं या 50-100 रुपए आपको मिल रहा है वो कहते हम किस चक्कर पड़े हुए हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, लीव अलोन मैं आप कराची लाहौर को छोड़ दें, इस्लामाबाद का भी हमारा सुबह का शो था मैंने फिगर उनके साथ शेयर किए हैं, इतने शॉकिंग फिगर हैं इस्लामाबाद में क्राइम रेट जो बढ़ रहा है जी, जी, जी। और इस्लामाबाद की पुलिस जितनी निकम्मी और नलायक मेरा ख्याल हम तारीख की देख रहे हैं इससे बदतरीन पुलिस मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे गाड़ियां चोरी हो रही है 140 दिन दिहाड़े जिस तरह के लोग घरों में आकर लूटमार कर 140 यहाँ पे कत्ल हुए पिछले एक साल में इस्लामाबाद में और तकरीबन 800 के करीब गाड़ियां चोरी हुई हैं इस्लामाबाद से 1 करोड़ रुपए के करीब की, इसलिए यहाँ की पुलिस जो है ये सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देती। आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा कैपिटल है, आप भी जाती होंगे हमारे बहुत सारे सुनने वाले भी जाते होंगे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये क्यों नहीं लगने देती पुलिस, इनको पता है कि अगर आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे उनका ये फुटेज भी आएगा उनके चेहरे भी आएंगे वो आइडेंटिफाई भी होंगे उनका पता भी चल जाएगा ट्रेस भी किया जा सकता है। अच्छा सो आपका जो प्रॉब्लम हुआ है कि पुलिस बाबूज ये मिल के इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ लोगों को लूट रहे हैं एक तो ये चीज है, दूसरी जहाँ पे जब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगी बहुत सारे लोग गलत जराये से वो अमीर होते जाएंगे तो फिर जो निचले तबकात है उनको ये मैसेज जाता जाएगा कि इस मुल्क में पैसा कमाने का एक ही तरीका है वो हलाल तरीका नहीं है वो लीगल तरीका नहीं है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इस मुल्क में लूटो वो अगर अपने अपने पॉलिटिकल ऑफिस को यूज कर सकते हैं वो अपनी वजारत को यूज करते हैं वो बीइंग सेक्रेटरी यूज करता है तो मेरे पास गन है। बिल्कुल इस चीज ने मेरा ख्याल है यहाँ पे जैसे आप कह रहे इस्लामाबाद में बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं बहुत सारे, मुझे नड्डा का जो स्टेटमेंट है सैड स्टेटमेंट जो उन्होंने सेनेट में दिया है वो बड़ा आई ओपनर है बहुत सारे लोगों के लिए कि जी इस मुल्क में ईमानदारी का क्या ताल्लुक वास्ता है और ईमानदारी जो है वो जुर्म है यहाँ पे। अभी ये एक मसला फरा उमर चीमा हमारे दोस्त है न्यूज में उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी ब्रेक की है, मैंने भी कुछ आज के कॉलम लिखे हैं रहमान मलिक साहब के दौर में कितने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, सीक्रेट फंड को जिस तरह यूज किया गया कि घर का खाना खाने जाना है वजीर साहब ने अपनी बीवी बच्चों के साथ वो पैसे भी वहां से सीक्रेट फंड से उन्होंने ट्रांसफर कराए हैं कि मैंने खाना खाना है अपने बच्चों के साथ जाके, इससे ज्यादा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे कम्प्रोमाइज हो सकता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ, मेरे दफ्तर ने दुनिया न्यूज ने मुझे एक बजट दिया हुआ है कि जनाब ये एंटरटेनमेंट के लिए अगर मैं आपके मेहमान आएंगे या आपने कहीं से खबरें लेनी है किसी को आपने कोई गिफ्ट लेके देना है किसी को, मतलब हमें सोर्सेज के साथ इस तरह की बात डील्स करनी पड़ती है तो मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ होटल पे खाना खाना चाहना है तो मैं वहां से पैसे निकाल लूं क्योंकि दुनिया टीवी ने मुझे एक बजट दिया हुआ है 10-20 हजार रुपए, मतलब कितने इससे कुछ ज्यादा कोई अफसोसनाक शर्मनाक बात हो सकती है। तो मुझे बताएं वो जो ये जो बातें आप करते हैं कोई खतरा कोई मसला कोई आपको किसी ने नहीं कहा चुप कर जाएं बस करें, ये सच की कीमत अदा करनी पड़ गई तो भारी है वो। एक तो चीज इसमें मतलब लोगों को तो हीरो बनने का शौक होता है कि शायद कि जी मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ बड़ी धमकियां बड़ी थ्रेट है, टू बी फेयर एक दो दफा हुई है मतलब जनरल मुशरफ के दौर में एक दफा हुई थी चीज, उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर रहा है कोई कभी कोई थ्रेटनिंग कॉल्स कभी हैरासमेंट कभी नहीं हुई, आई मस्ट बी फेयर टू देम, इवन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है मौजूदा 9 महीने हो गए बड़ी खुल के तनकीद करता हूँ कोई थ्रेट नहीं है और कभी कोई हैरासमेंट कोई इस तरह की चीजें नहीं है, अब मुझे पता है खुदा की मेहरबानी या मैं अपनी नियत से करता हूँ मैं मेरी कोई इसमें लालच इन्वॉल्व नहीं है कोई मेरा किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है। जर्नलिज्म को करने के लिए दो चार चीजें फरा बड़ी जरूरी है, वो कहते हैं ना किंग्स फूल्स आर बॉर्न, ये पदेशी होते हैं ऐसे मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट भी एक बॉर्न होता है या है या वो नहीं है, ये टेम्परामेंट का बिजनेस है, बहुत सारे लड़के लड़के हमारे पास आते हैं और वो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं वो एंकर बनना चाहते हैं आपकी तरह वो और बहुत सारे लोगों को देख के आना चाहते हैं कि बस रातों रात यही सारा कुछ है,
तो मैं उनसे ये कहता हूँ पैशन है कुछ अंदर, कोई खबर का पता, कोई चीजों की समझ, कितना आप में डिवोशन है, आपको दो मिनट में पता चल जाता है कि कौन जर्नलिस्ट बॉर्न है और कौन नहीं है, कौन एफर्ट करने को तैयार। अगर आप अपना पेशा वो करते हैं फरा जो आपको अच्छा लगता है, उस पर आप पे थ्रेट कुछ नहीं कर सकते, आप पे ग्रीड कुछ नहीं करेगी, आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, लालच दी जाएगी, वो नहीं होगी। ईमानदारी से काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यू आर सर्विंग स्टेट के लिए सर्व कर रहे हैं, लोगों को ले कर रहे हैं। पर्सनल इसमें अगर मैं कुछ स्कैंडल कर रहा हूँ 10,000 रुपए का, तो मेरे इसमें 20 रुपए नहीं है, खुदा खुद भी आप पे मेहरबानी करते हैं मेरा ख्याल है। कि अच्छा दूसरे जिनके खिलाफ कर रहे होते हैं उनसे कभी जाके काम ना लें आप, ये बहुत बड़ा जरूरी है अगर आप फ्लैट से बचना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी पर स्कैंडल भी कर रहा हूँ, एक दिन पहले उससे मैं मिला हूँ, मैंने कोई काम किया उसने नहीं किया तो मैं स्कैंडल कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने स्कैंडल कर लिया है तो फिर उसके पास गया, मैं चार अपनी एक फाइल लेके गया हूँ कि सर ये जरा 2-4 कॉन्ट्रैक्ट कर दें, डीलें कर दें। सो जर्नलिस्ट को अपने ऊपर बहुत सारे डिसिप्लिन इम्पोज करने पड़ते हैं। कितने जर्नलिस्ट इस डिसिप्लिन की मेरे ख्याल काफी है, ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ इसमें, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, और मुझसे भी बहुत बेहतर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, अच्छी स्टोरीज आती है, इतना ज्यादा है जो अच्छा काम करते हैं। अगरचे उन लोगों की भी उसमें आता है, वो क्या कहते हैं कि लोगों को शिकायत रहती है मीडिया से कि ब्लैकमेलर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बला बला लोगों के व्यूज आते रहते हैं, लेकिन इवन देन अगर आज भी लेकिन जनाब ये भी तो हकीकत है ना कि वो लिस्टें नहीं आई थी सीक्रेट फंड की, जब आप बात कर रहे हैं तो मीडिया के लोगों की लिस्टें नहीं आ सकी थी कि जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया। एक चीज उस पे डिमांड उस वक्त भी की गई थी कि सीक्रेट लिस्ट जो है ये सामने आनी चाहिए, इनको लाना चाहिए, और दूसरी बात इसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है। जी जो अच्छा काम किया मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, कि इन्होंने कहा सीक्रेट फंड नहीं होगा। अगर अच्छा सीक्रेट फंड की लिस्ट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आपने देखी हो, जिसपे बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। आपको किसी अफसर ने बुलाया है, जो बुलाते हैं मसला, आपने मुझे बुलाया है, चाय मुझे पिलाई, पता यह चला जी जो चाय भी थी वो उसका भी बिल आपने सीक्रेट फंड से दिया है, तो ये चीज एम्बेरस किया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने। कोई गेस्ट बुलाए हैं जिनको ब्रीफिंग देनी थी, अच्छा ये जर्नलिज्म में आपको लोगों को बुलाना, उनको ब्रीफ करना, इंटरेक्ट करना, सवालों जवाब करना, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। आम आदमी इसको इस तरह नहीं समझता। आम आदमी ने ये देखा अच्छा जी ये चाय पे बुलाया कि 6 साफ ही, कितनी पेमेंट हो जी 10,000 रुपया, इनको खाना खिलाया गया सीक्रेट फंड से, ये तो बड़े डाकू हैं, ये तो बड़े चोर हैं, ये बातें बड़ी करते हैं। ये चीज हमें फेस करनी पड़ती है, सम टाइम वी कांट एक्सप्लेन टू द पीपल कि दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब टू गो मीट इंटरेक्ट। जैसे मतलब आपके साथ मैं ये पास आया हूँ, अगर आपने मुझे कोई यहाँ पे चाय बिस्कुट खिला दी है, कल को पता ये चला कि ये कोई एटीवी का कोई अपना कोई सीक्रेट फंड था तो उससे खिलाया कि लिस्ट छप गई है, तो मेरे ख्याल गेस्ट का इसमें कोई ऐसा सच कोई कसूर नहीं। आप मेरे पास आए हैं, अगर मैंने कुछ लोगों को सर्व किया और कोई गलत मीन से सर्व कर रहा हूँ, द फॉल्ट लाइज विद मी, कि मैं एज ए होस्ट के तौर पर मैं बेमान के कारण, और ऐसी चीजें सीक्रेट होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल छोड़ते हुए मैं ब्रेक के लिए जाना चाहूंगी, जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक, ये वो इलाके हैं जिन्हें पसमानदा अभी तक समझा जाता है, और वहां से लेकर पाकिस्तान की दुनियाई सहाफत में अपना नुमाया मकाम बनाना मुझे यकीन है एक बड़ा मुश्किल सफर रहा होगा। एक कामयाब जर्नलिस्ट और एक कामयाब इंसान बनने के लिए क्या चीजें दरकार होती है, मैं चाहूंगी वो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब, आज रऊफ क्लासरा साहब हमारे मेहमान हैं, और मैंने उनसे सवाल ये किया था जाते हुए कि जनाब जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक है, पसमानदा इलाके हैं, कामयाब आपने माशाल्लाह सफर तय किया है एक कामयाब जर्नलिस्ट बनने के लिए और कामयाब इंसान बनने के लिए क्या चीजें दरकार होती हैं। मेरा तो ख्याल है खुदा की मेहरबानी इसमें बड़ी जरूरी है, मैं कोई अच्छा मुसलमान इतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, लेकिन इस बात में मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि बहुत चीजें ये इंसान की उस किस्मत में खुदा लिख देता है। ये अच्छा मेहनत भी उन्हीं लोगों से करवाता है फिर खुदा, उन्हीं को ही उसमें से रन ऑफ द मिल से गुजारना, उन्हीं को चीजों में लेके आना। मसलन मैं जब मैं यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया तो मैंने कभी नहीं सोचा था आई विल बी जर्नलिस्ट। मैं आपको आप लोग तो कहते हैं तो प्लान होगा, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में तो सडन हुई है, अचानक हुई है। हाँ ये जरूर मैंने किया है जो मेरा ख्याल है जो हमें करना चाहिए कि आपको आपको सिचुएशन रीड करने की सलाहियत होनी चाहिए कि अब आप हालात आपके किस तरफ जा रहे हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, उन मौकों से आप फायदा उठाते जाएं। मेरे ख्याल है आप आगे भी निकल सकते हैं, और बाकी जो काम आपको अच्छा लगता हो ना, अगर ये थोड़ा सा पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं अपने आप को इस सवाल से बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं वो काम करता हूँ वहां से मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है जी। और ये पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जहाँ 97-98% लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिविंग के लिए उनको करना पड़ता है। हार्डली 1-2% लोग होंगे जो वो काम करते हैं जो उनकी हॉबी है। सो मैं अपनी हॉबी भी करता हूँ, जर्नलिज्म में हॉबी है, पैशन है, इसलिए मुझे कोई इसमें कोई मुश्किल